Sorry. Okay. So basically, in order to use Android or in order to work with Android development, the first thing you need to do is you आके आपको Android Studio चाहिए, ठीक है? उसके लिए हम चले जाते हैं developer.google.com पे, developer.google.com, ठीक है? This is the first URL that you would be required to note, ठीक है? दूसरा एक चीज ये कि yes for Android and to work with Android you do need good internet connection as well. ये एक और Android का सबसे बड़ा issue है, ठीक है? कि आपको बहुत टाइम के लिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी जरूर चाहिए, ठीक है? मैं अभी उस पर आता हूँ. सो एंड्रॉइड स्टूडियो के लिए यू नीड टू डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो फ्रॉम अ वेबसाइट कॉल्ड developer.google.com, ठीक है? जब आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे तो बेसिकली ये डिफॉल्ट पेज है उसका, यहाँ पे इसके एंड्रॉइड के तमाम इन्फॉर्मेशन और उसकी जितनी भी बेसिक डिटेल्स है बेसिकली वो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी. उसके बाद वॉट वी डू इज दैट यू स्क्रोल डाउन एंड यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ न्यूज एंड फीचर्स विद इन दिस थिंग. For our sake, we want to say learn to build anything from Google. Now, this is basically downloading your Android Studio free of cost. Android Studio free of cost download कर सकते हैं, कोई इसका problem नहीं है. इसका version आप किसी friend से भी download करवा सकते हैं, वो भी copy कर सकते हैं. लेकिन problem फिर वही है कि जब आप install करोगे, मैं अभी बता देता हूँ, आपको internet connection हमें continuously चाहिए. Okay? तो once you come here, I think मैं कहीं और चला गया. Sorry. Explore and Android. एक मिनट, मुझे डाउनलोड पे जाना था. ये रहा, सॉरी, Android यहाँ पे. ये तो स्टार्ट लर्निंग पे नहीं जाना था, ठीक है? बिल्ड एनीथिंग विद गूगल, ये गूगल के तमाम बेसिक टूल्स एंड एप्लीकेशंस अवेलेबल है. ऑल यू नीड टू डू इज कम ऑन टू developer.google.com. यहाँ पे आने के बाद एंड्रॉइड पे चले जाए, ठीक है? जब आप एंड्रॉइड पे जाओगे तो एक पेज ओपन हो जाना चाहिए विद इन फ्यू मिनट्स. हियर वी गो फॉर एंड्रॉइड स्टूडियो, एंड्रॉइड फॉर डेवलपर्स. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती. लाइसेंस इसका फ्री है और इसीलिए हमने कहा कि एंड्रॉइड हमारे लिए बहुत आसान रहता है कि हमें कोई पे करने की जरूरत नहीं पड़ती. ऑफिशियली इसकी वेबसाइट से हम जाके इसको आराम से डाउनलोड कर लेते हैं. तो हम एंड्रॉइड स्टूडियो में चले गए, ठीक है? इसके अलावा भी कुछ दो तीन इसके फीचर्स हैं. यू कैन रीड थ्रू इट्स वेरियस डिफरेंट फीचर्स एंड टूल्स एंड अपडेट्स जो हजरत ने प्रोवाइड की हुई है. हमारा काम है एंड्रॉइड स्टूडियो को डाउनलोड करना. जो ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका एंड्रॉइड स्टूडियो का लिंक आ जाएगा कि भाई उसके जो डाउनलोड है वो मैं करना चाह रहा हूँ. ओके, इसके डाउनलोड ऑप्शंस में आप जाएं तो यू विल बी गिवन फ्यू अदर ऑप्शंस जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं. इफ यू स्क्रॉल डाउन तो यहाँ पे अवेलेबल है सच एज दिस वंस, कि आपको अगर लिनक्स के लिए या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए चाहिए. हमें विंडोज के लिए चाहिए तो इसीलिए हम ऊपर पे ही डिफॉल्ट पे आ जाएंगे और ऊपर ही ऊपर ये सारे उसकी तस्वीरें हम बाद में इसमें बात करते रहेंगे कैसे यूज करते हैं. वी विल जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, ठीक है? तो developers.com पे आ रहा है, नीचे एंड्रॉइड पर आया. एंड्रॉइड पाने के बाद एंड्रॉइड डेवलपमेंट स्टूडियो पे आप क्लिक करेंगे. जो ही इस पे क्लिक करेंगे ये आपका एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड करने के लिए लगा देगा. दैट्स इट, ठीक है? वंस योर एंड्रॉइड स्टूडियो इज डाउनलोडेड, तकरीबन ये 912 MB का होगा, उसके बाद आपने इसकी इंस्टॉलेशन करनी है, ठीक है? अब यहाँ पे थोड़ी सी एक और चीज दोबारा, वंस यू, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक्चुअली इंस्टॉल किया हुआ है. इफ आई गो, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे नहीं पता कि मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल करना पाऊंगा नहीं पाऊंगा, ठीक है? मेरे पास ऑलरेडी है. इफ यू डबल क्लिक ऑन इट तो ये बेसिक इसका इनिशियल तरीका करिए कि जब डबल क्लिक करेंगे इंस्टॉलेशन की तरफ चला जाएगा, आपसे बेसिक सेटिंग्स पूछेगा और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि यू नीड इंटरनेट. एंड्रॉइड स्टूडियो का सबसे बड़ा इशू या जो सबसे बड़ी कंप्लेन मैंने लास्ट टाइम भी कुछ स्टूडेंट्स से, हम जब प्रोजेक्ट्स वगैरह पे काम कराते हैं तो कह रहे हैं सर एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं हो रहा होता. उसका मेन रीजन ये कि इट रिक्वायर्स इंटरनेट कनेक्शन थ्रू आउट द इंस्टॉलेशन, क्योंकि वो इनिशियली 1 GB की फाइल डाउनलोड करता है. जैसे ही 1 GB की फाइल डाउनलोड हो जाती है वो इंस्टॉल होना शुरू करता है. उसके रन टाइम पे फिर वो हजरत जो है कुछ और पैकेजेस भी लाइव इंटरनेट से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा होता है, ठीक है? इंस्टॉलेशन का इसका प्रोसेस सिंपल है लेकिन इंटरनेट के साथ बंधा हुआ है. तो आपको जब आप इसको इंस्टॉल करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया नेक्स्ट, मैं नेक्स्ट करता हूँ, वर्चुअल डिवाइसेस इंस्टॉल ऑल ऑप्शन, ओके. नेक्स्ट पे चले गए, कहाँ पे इंस्टॉल करना है मैंने सी ड्राइव कर दिया, नेक्स्ट पे कर दे. अभी अब आपसे बेसिक सेटिंग पूछेगा, बेसिक्स का ऑप्शन यही है और ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है. लेकिन जो ही आप इंस्टॉल करोगे ना तो अब ये इंस्टॉलेशन पे जाएगा और फिर ये कुछ नेट से भी चीजें डाउनलोड करेगा एक पूरे स्टेप में, ठीक है? और ये नेट से डाउनलोड करने के बाद उनको दूसरे स्टेज में दोबारा से इंस्टॉल पे जाएगा. सो
एक स्टेज इसका ये हुआ, इन अदर वर्ड्स यू टेक इट दिस टाइम इन ऑर्डर टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है, इंस्टॉल एंड डी आर आई ओ एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है, देयर आर थ्री एस स्टेजेस, ठीक है, फर्स्ट डाउनलोड ए एन डी आर आई ओ डी एंड्रॉइड एस स्टूडियो, सेकेंड इंस्टॉल द बेसिक सेटअप, while installing it will download more files from internet, ठीक है, third after downloading additional files it will again install those files, ठीक है, so you have to be patient with that. जब आप इसको करोगे तो इसको basically हम four stages का मैं लफ्ज दे देता हूँ. Android Studio हम four stages में download करते हैं. पहली stage हमारी जो थी वो ये वाली थी कि आप उसको जो है इस particular website से download करें, ठीक है. जब आप इसको डाउनलोड करोगे तो बेसिकली वो 1 GB की फाइल डाउनलोड करेगा, वो उसको इंस्टॉल करेगा बेसिक सेटअप के साथ. जब जो ही इंस्टॉल कर रहा होगा, इंस्टॉलेशन के दौरान वो एडिशनल फाइल्स भी डाउनलोड कर रहा होगा, वो ये पहला स्टेज. उसी के बाद वो ऑटो और ये करेगा सारा ऑटो, आपको सिर्फ नेक्स्ट करना है, कोई उसमें परेशानी की बात नहीं है. आफ्टर डाउनलोडिंग एडिशनल फाइल्स वो अभी दोबारा से कहेगा कि यार ये फाइलें भी मैंने डाउनलोड कर दी हैं, अब नेक्स्ट पे क्लिक करो तो मैं इनको अलग से दोबारा इंस्टॉल करूँ, तो मैं इसको पूरा दोबारा से इंस्टॉल कर दूंगा. ये पूरा प्रोसेस मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना दी थी जब मैं अपना एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल कर रहा था, मैं वो वीडियो क्लास के बाद शेयर कर दूंगा, ठीक, तो जिसमें सारी चीजें मैंने ऑलरेडी मेंशन की. तो ये इसके दौरान भी आपको ये चीज आ जाएगी, तीन दो स्टेजेस. फाइनली जब आप एंड्रॉइड स्टूडियो रन करोगे तो ये हजरत फिर जाकर इधर आ जाते हैं, फोर रन एन डी आर आई ओ डी एंड्रॉइड एस टी यू डी स्टूडियो, while running it will again download few files and install them, ठीक है. तो जब चौथी तीसरी दफा जाकर आप दोबारा उसको एंड्रॉइड स्टूडियो को डबल क्लिक करके रन करोगे, पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, तब भी ये हजरत जाकर आपकी कुछ फाइल्स को इंस्टॉल करेगा, ठीक है. दैट इज इट्स मेजर इशू. लेट मी स्टार्ट एंड्रॉइड स्टूडियो. जब आप उसको चला रहे हो तब भी उसको एंड्रॉइड स्टूडियो चाहिए होगा, ठीक है. उसके बाद पांचवा जो इसका स्टेप है, इंस्टॉल आर ए डी रन टाइम एनवायरमेंट डिवाइस मोबाइल सिम्युलेटर डिवाइस अगेन इन डाउनलोड एस डी के फ्रॉम इंटरनेट एंड विल बी इंस्टॉल्ड, ठीक है. ये पांच चीजें, तो इसको बल्कि यू पांच स्टेजेस कर दो. ओके, होपफुली थोड़ी बहुत बात समझ में आई हो. एंड्रॉइड स्टूडियो बेसिकली रिक्वायर्स इंटरनेट एंड इट रिक्वायर्स मल्टीपल डाउनलोड्स कंसेक्टिवली. तो जो ही आप एंड्रॉइड स्टूडियो पे इंस्टॉल करो ना चाहोगे तो आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है, बेसिक सेटअप उसका इंस्टॉल होगा, उसके बाद कुछ और फाइल इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, वो दूसरी फाइल इंस्टॉल करेगा, फिर आपने एंड्रॉइड स्टूडियो को रन करना है. जब आप रन करोगे तब भी आपसे वो कहेगा कि यार इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, वो अलग से फिर से कुछ फाइलें नेट से डाउनलोड कर रहा होगा, 200-300 MB की फाइल्स डाउनलोड करेगा, इंस्टॉल करेगा, ताकि आपका एंड्रॉइड स्टूडियो रन हो जाए. जब एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होकर रन मोड में आ जाएगा, जैसे अभी यहाँ पर आ रहा है, ये अभी रनिंग मोड में एंड्रॉइड स्टूडियो आ गया, ठीक है, उस वक्त भी आपको नीचे यहाँ पे एक टाइम बार में बता रहा होगा कि अभी भी वो कुछ चीजें डाउनलोड और इंस्टॉल कर रहा है बैक एंड पे. वंस दैट इज कंप्लीट, हमें फिर एक और चीज चाहिए होती है रेड करके, उसका रन टाइम एनवायरनमेंट है मोबाइल सिम्युलेटर जिसे हम कहते हैं. जब हम मोबाइल सिम्युलेटर पे जाएंगे तब भी ये अगेन उसका एक SDK उस मोबाइल की API के हिसाब से दोबारा डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा. ये तमाम चीजें मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, उसमें मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन कर दी, ठीक है. तो होपफुली शुड बी लिटिल बिट इजी. इसको सिर्फ कॉम्प्लेक्स मत लेना, इतना रखना कि मोबाइल एंड्रॉइड चलाने के लिए चार पांच चीजें होती हैं.
होती सारी ऑटोमेटिकली है, आपको सिर्फ उसको नेक्स्ट 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 करना है, ये पेशेंस रखना है कि यार ये थोड़ा सा टाइम लेगा, आधा एक घंटा लेता है एंड्रॉइड स्टूडियो डाउनलोड कंप्लीट होकर इंस्टॉल होने में, ठीक है। जब पहली दफा भी आप इसको चलाओगे तो भी ये आधा घंटा लेगा, आधा 15 से 20 मिनट डिपेंडिंग ऑन इंटरनेट कनेक्शन एज वेल, आपका एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल होने में। क्योंकि जैसे आप फर्स्ट टाइम इसको चलाओगे तो नीचे यहाँ पे आपको बताएगा कि भाई मैं क्या चीज पे काम कर रहा हूँ, और वो ऑलरेडी नेट से कुछ इसे फाइल डाउनलोड कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन्यू अगर आपको नजर नहीं आए शुरू के 10 मिनट तक तो वेट कीजिएगा, वो यहाँ पे बता देगा लोडिंग मेरे पास हो रहा था, मैं खुद कंफ्यूज हो गया क्या कर नहीं रहा, फिर पता चला कि अच्छा वो लोडिंग है, लोडिंग है, 10-15 मिनट लगे, तो बैकएंड पे बहुत सारी फाइलें डाउनलोड कर रहा होता है। टेक्निकली आपने 1 GB की फाइल हजरत इंटरनेट से डाउनलोड की है, ठीक है, लेकिन ये इसके अलावा भी 2 GB की डेटा और एडिशनल नेट से डाउनलोड करता है ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, कीप दैट थिंग इन माइंड। कुछ कहीं पे मैंने इसके पुराने टाइम देखा था कि वन सिंगल फाइल इंस्टॉलर्स आते हैं जिसमें सारी चीजें एक ही इंस्टॉलर के अंदर 3 से 3.5 GB का इसका सेटअप बनता है। इस वक्त क्या है, ये मल्टी सेटअप है। मल्टी सेटअप का मतलब ये कि इट्स बेसिकली वन सिंगल फाइल इनिशियली आधी, और फिर ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन ये 2-3 और फाइलें इंस्टॉल करवाता है, ठीक है। तो वंस यू डू दैट उसके बाद आपका इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पे ये बेसिक इंटरफेस है, मैं इसके ऊपर अभी नहीं बात करूंगा, इसके ऊपर हम कल इंशाल्लाह पूरी क्लास में क्या है, हाउ यू इंस्टॉल डाउनलोड, अगर एक दफा हो गया उसके बाद हाउ वी क्रिएट अवर फर्स्ट एप्लीकेशन मोबाइल पे कैसे चलाएं, उसके बाद इसका जो रेड वाली मैंने कही थी वो हम इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये वो सेटअप है यहां तक का, डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, डू कीप इन माइंड यू नीड इंटरनेट, इंटरनेट नहीं होगा फाइलें डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो फिर प्रॉब्लम करता है। ये एक उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है जिसकी वजह से एंड्रॉइड स्टूडियो क्रिएट्स मोर प्रॉब्लम कि सर एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं हो रहा, अगर इंटरनेट बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसकी इंस्टॉलेशन फाइल्स खराब हो जाती है। तो थोड़ा सा ये एक उसकी सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, शायद इसकी वन टाइम फाइल इंस्टॉलर है, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट। मैंने हमेशा पहले भी जब भी किया था तो नेट से इस तरह डायरेक्ट लाइव डाउनलोड करके किया था। उसके बाद जब आप इसको रन करोगे तो रन करते वक्त भी मैंने कहा कि ये 10 मिनट लेगा, डबल क्लिक करने के बाद भी 10 मिनट लेगा आपका विंडोज को इसको चलाने में, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जब रन होता है तब भी हजरत कुछ एडिशनल फाइलें कर रहा होता है, तो पेशेंस एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ लाजमी है। उसके बाद फिर हम करते हैं इंस्टॉल रेड। रेड बेसिकली यहाँ पर आप आ जाओगे तो ये एक चीज मौजूद है, सॉरी AVD, मैं कह रहा हूँ रेड क्यों आ गया, ठीक है, इसको रेड नहीं, इसको AVD कहते हैं, ठीक है, नॉट रेड, AVD, ठीक है, दिस एनवायरनमेंट हियर, AVD मैनेजर। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे AVD मैनेजर के अंदर, और यहाँ पे मैंने अपना Pixel 4a का LED ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये जो फिफ्थ स्टेप में आपको क्या करना होगा, क्रिएट वर्चुअल डिवाइस, यहाँ पे बटन है, क्योंकि मैंने ऐड किया हुआ है तो ये बटन नीचे आ रहा है, जब आप फर्स्ट टाइम इसको चलाओगे तो ये बटन यहाँ बीच में आ जाएगा कि भाई यू फर्स्ट नीड टू ऐड अ वर्चुअल डिवाइस। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक अलग से ट्यूटोरियल बना के रखा हुआ है टू ऐड अ वर्चुअल डिवाइस, मैं दोबारा से इस पे बना दूंगा, ठीक है। सो व्हाट यू डू इज यू क्रिएट ऑन वर्चुअल डिवाइस एंड यू कम हियर, देन यू नीड टू सेलेक्ट एनी पर्टिकुलर फोन। तो मैंने इस टाइम Pixel 4a सेलेक्ट किया हुआ है। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल यू विल फाइंड कि देयर आर मल्टीपल डिफरेंट मोबाइल फोन सेटअप्स अवेलेबल, तो वो बेसिकली ये चाह रहा है कि आपका सिम्युलेटर किस के ऊपर आप सिमुलेट करके टेस्ट करना चाह रहे हैं कि कौन से मोबाइल के ऊपर है। तो यहाँ पे बहुत सारे मोबाइल्स दिए हुए, फिर आप अगर टीवी के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, मोबाइल वेयर ऑपरेटिंग मतलब वॉच के लिए, टैबलेट के लिए, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो आप जो भी मोबाइल सेलेक्ट करोगे फिर फॉर एग्जाम्पल उस पर नेक्स्ट पे जाओगे तो वो आपसे अब कहेगा डाउनलोड अगेन। तो मैंने वही कहा ये चौथा जो स्टेप है ये डाउनलोड पर है, ठीक है। आई थिंक टाइम्स अप हो गया है जूम का, तो इफ इट डिसकनेक्ट तो इंशाल्लाह फिर यहाँ से हम अगली क्लास कंटिन्यू करेंगे, ओके, जिसमें मैं फिर इसकी इंस्टॉलेशन दोबारा से समझाऊंगा एंड देन वी विल वर्क विद दैट। तो वेनेसडे तक काइंडली ट्राई टू डाउनलोड एंड्रॉइड स्टूडियो, और फिर हम वेनेसडे से इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट कर देंगे एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग विद हाउ यू कैन यूज दिस, हाउ यू कैन डाउनलोड, हाउ यू कैन कॉन्फिगर एंड ऑल दिस सेटअप्स, ठीक है। मैं ये फाइल आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा सो दैट यू गेट अंडरस्टैंडिंग। तो फिर इसकी बेसिक इंटरफेसिंग, बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं, लेआउट से स्टार्ट हम करेंगे एंड वी विल स्टार्ट वर्किंग विद डेवलपिंग एंड्रॉइड एप्लीकेशन, और फिर इस एंड्रॉइड को जब हम रन करते हैं तो उसका पूरा स्टूडियो का एक इम्यूलेटर हमारे पास मोबाइल का यहीं पे आ जाता है, वो आ जाना चाहिए। उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम आते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं वो फिर हम डिस्कस करेंगे।